लॉकडाउन का तीसरा दिन भारत नेपाल सरहद सीमावर्ती कस्बा रुपैडिया पर देखा जा रहा है, पूरी तरीके से सन्नाटा है। सुरक्षा की कड़ी बंदोबस्त व्यवस्था की गई है, कोई भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ दवाओं या सब्जियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, बाकी सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। थाना प्रभारी कोतवाली रुपैडिया ने गश्त तेज कर दी है और गलियों में जगह जगह पुलिस को तैनाती देखी जा रही है, पुलिस को तैनात कर दिया गया है। और यह नेपाल का जाने वाला नेपालगंज रुपैडिया या राजमार्ग 927 जहां देखा जा रहा है कि अब सब्जी या अन्य पेट्रोलियम पदार्थों को नेपाल में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में बस यही कहा जा सकता है कि लोग अब घरों में कैद हो गए और उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। न्यूज प्लस इंडिया के लिए संतोष शुक्ला की रिपोर्ट। सीमावर्ती कस्बा रुपैडिया के हमारे साथ युवा व्यवसायी हैं जो खाद्यान्न की उपलब्धता को पूर्णतया सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, क्या क्या आपने सप्लाई की और कहां क्या दिक्कत आ रही है? सर, जो रिटेलिंग वाली गाड़ी आ रही है, जो सामान मांग रही है उसको दिया जा रहा है और वो रिटेलिंग करके आते हैं और उसका जो कम पड़ता है वो फिर ले जाते हैं। आज आदेशानुसार बाहर से आटा मंगाया गया, आटा हमारे पास नहीं था तो आज वो सप्लाई में दिया जा रहा है, बाकी और सब सामान अभी उपलब्ध है। धन्यवाद। सीमावर्ती कस्बा रुपैडिया जो नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है और हमारे साथ इस समय यहाँ के प्रतिष्ठित पत्रकार रामजी सोनी जी। सोनी जी, क्या आपको लगता है रुपैडिया सीमा पर क्या कोरोना के क्या विदेशी कुछ लोग आ रहे हैं या आवागमन पूर्णतया बंद है या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विदेशी की आवागमन पूर्णतया रोक लगा दी गई है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन का मतलब यही है कि लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें, चूँकि आप देख रहे हैं पूरे विश्व में कोरोना एक महामारी के रूप में फैल रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार कठोर कदम उठाई है, लॉकडाउन किया है। वहीं भारत के कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है जिससे लोग एक दूसरे के टच में ना आए। वहीं आप रुपैडिया की बात करिए, चूँकि ये भारत नेपाल का सीमा है, यहाँ विदेशी पर्यटकों का आना जाना था लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से किसी भी विदेशियों का आना जाना बंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अलाउंसेस कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर न निकलें जिससे कोरोना से बचा जा सके। खाद्यान्न वगैरह की समस्या सीमावर्ती कस्बे में, क्या लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं? एक खाद्यान्न के लिए आपको बता दूं कि डीएम भारे सम्मुख मान ने खाद्यान्न की पूरी लिस्ट बना दी है। यहाँ के कुछ लोगों को पास जारी किया गया जो डोर टू डोर घरों में जाकर खाद्यान्न सब्जी फल की सप्लाई करेंगे। इस पे यह भी है, अगर कोई अतिरिक्त पैसा लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगा और वो जेल जाएगा। धन्यवाद।